नमस्कार, मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं अपने इस खास शो में। हमारा आज का ये प्रोग्राम विश्व के चुनिंदा फिल्म फेस्टिवल्स में शामिल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर आधारित है, जिसका 18वां संस्करण कामयाबी के साथ संपन्न हुआ। डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट और एनिमेटेड फिल्मों के लिए मशहूर इस फेस्टिवल की शुरुआत 1990 में हुई थी। वहीं इस बार इसे और विस्तार देते हुए देश के महानगरों दिल्ली, पुणे, चेन्नई में भी आयोजित किया गया, जहां सिनेमा प्रेमी इन फिल्मों का आनंद लेते नजर आए। इस संस्करण में 59 देशों की फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। ये फिल्में 61 भाषाओं में प्रस्तुत की गई थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार, प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं द्वारा मास्टर क्लासेस, पैनल डिस्कशन, ये सभी इसके मुख्य आकर्षण रहे। वहीं सबसे खास इसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी, जिसमें कई फिल्मी सितारे और गणमान्य लोग शामिल हुए और बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज को अवार्ड से नवाजा गया। कैसा रहा समापन समारोह, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमाई हस्तियों की मौजूदगी में डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के शानदार प्रदर्शन के बाद 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ। हफ्ते भर चले इस फिल्म महोत्सव ने सिनेमाई कलात्मकता की चमक के साथ सपनों के इस शहर को रोशन कर दिया, जहां इस महोत्सव के समापन समारोह में कई फिल्मी सितारों और गणमान्य लोगों ने शिरकत की, जिन्हें सम्मान से नवाजा गया। समारोह के मुख्य संबोधन में महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्री श्री सुधीर मुनगंटेवार ने इस प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के माध्यम से प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के लिए भारत सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी विरासत और हमारी फिल्मों से संबंधित हर मामला आगे बढ़ेगा। मैं भारत सरकार को बधाई दूंगा कि भारत सरकार ने इस मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका गौरव किया ही, मगर इस माध्यम से देखा मैंने कई लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, हमने भी महाराष्ट्र में, सही तो महाराष्ट्र आपको पता है सबसे पहली फिल्म निकालने वाला भी महाराष्ट्र 1913 में राजा हरिश्चंद्र। और ये बात सही है कि ऐसा कहते हैं कि ये जो सेक्टर है वो आईना, और इसीलिए आजकल राजा हरिश्चंद्र फिल्म नहीं निकलती क्योंकि वातावरण बदल गया है। मैं निजे सोशल एनिमल, वहां से मैं निजे सेल्फिश एनिमल हुआ है, तो फिल्में अपना आईना है, मगर इस आईने के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, ये मैं भी जानता हूं। बहुत बार लोगों के जीवन में आपके ही सेक्टर का कोई एक वाक्य, कोई डायलॉग उसके जीवन भर याद होता है। कभी आपने भी देखा कि आनंद फिल्म का बाबू मोशा है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, वाक्य एक था मगर उसमें हजार पेज पढ़ने के बाद जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान उसमें रहता था कि आप जो काम करते हो उसमें सिर्फ मनोरंजन नहीं है तो ये एक पावर स्टेशन है व्यक्तियों के निर्माण का, और जब व्यक्ति निर्माण होता है तो समाज निर्माण होता है, समाज निर्माण होता है तो राष्ट्र निर्माण होता है। मिस महोत्सव के डायरेक्टर एवं एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रतुल कुमार ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कामयाब आयोजन पर खुशी जताते हुए बताया कि इस बार 12,000 के करीब डेलीगेशंस ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया, जो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। दिस एडिशन ऑफ मिफ हैज मोर देन 12,000 डेलीगेट्स, 3 times मोर देन द प्रीवियस एडिशन। The participants came from 31 states and union territories in India and also from 32 countries all across the world. A total of 314 films were showcased, which were from 59 countries and 61 languages. Films also were screened not only in Mumbai but also in 4 other cities. Films from 13 renowned film institutes from India, FTIIs, SRFTIIs, Whistling Woods, all the important institutes, and also world's famous institutes like Babelsberg, 13 such institutes were showcased. MIFF 2024 also embraced vital societal themes with the Mission Life, Asian Women Filmmakers, special theme on India in Amritkal, and MIFF and 25 engaging masterclass panel discussion and open forums.
समापन समारोह में बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज को अवार्ड से सम्मानित किया गया, जहां सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित भारतीय फिल्म द गोल्डन थ्रेड को दिया गया। कोलकाता में जूट के काम के ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म आर्थिक बदलाव से प्रभावित औद्योगिक क्रांति के अंतिम अवशेषों के प्रति श्रद्धांजलि और अवलोकन दोनों है। ये फिल्म मनुष्य और मशीन के रिश्ते को दर्शाती है। इस पुरस्कार में प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए नकद शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिक्शन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च पुरस्कार वेरा पिरागोवा द्वारा निर्देशित एस्टोनियाई फिल्म सौर मिल्क को दिया गया। इस फिल्म में माँ और बेटे के बीच के जटिल बंधन को बखूबी दर्शाया गया है, जो उम्मीद और निराशा से भरपूर कहानी का ताना बाना बुनती है। इस पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए नकद शामिल है। टोमैक पोपाकुल और कासुमी ओजैकी द्वारा निर्देशित पोलैंड की फिल्म जिमा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च पुरस्कार मिला। इसके तहत प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च पुरस्कार निर्मल चंद्र डंडरियाल द्वारा निर्देशित 6A आकाश गंगा को दिया गया। अन्नपूर्णा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध ज्ञाता और सुरबहार वाद्य यंत्र की महान कलाकार। अगर एक इंसान को जानोगे तभी उससे अच्छी बातें करोगे, उससे कुछ सीखोगे। ये फिल्म दर्शकों को महान संगीतकार अन्नपूर्णा देवी की एकांत प्रिय दुनिया में ले जाती है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए नकद प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ भारतीय शॉर्ट फिक्शन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च पुरस्कार बरखा प्रशांत नायक द्वारा निर्देशित सॉल्ट को दिया गया। ये फिल्म एक मार्मरिक और खूबसूरती से गढ़ी गई पिता पुत्र की कहानी में कामुकता की समझ में पीढ़ीगत अंतर को बारीकी से दर्शाती है। इस पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाते हैं। गौरवपति द्वारा निर्देशित फिल्म निर्जरा ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च पुरस्कार जीता। I feel at home with mother, because she is ever present. The soil in her lap, the water in her face. ये फिल्म गंगा के घाटों पर शोक घुल भरे अनुष्ठानों के दौरान दो भाइयों के पुनर्मिलन की कहानी बयान करती है। इस पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाते हैं। जोशी बेनेडिक्ट द्वारा निर्देशित फिल्म अ कोकोनट ट्री को प्रवास और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में जूरी का स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। मई रंगारंग जीवंत और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकाश गंगा ये एक ऐसी कहानी है जिसे
मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब मिला है नेशनल कॉम्पिटिशन में, और हमारे साथ निर्मल चंदर हैं जो इसके डायरेक्टर हैं. निर्मल, सबसे पहले तो आप आपका इनिशियल रिएक्शन बताएं. मुंबई में, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली है, साथ ही कहानी के बारे में दो लाइन बताएं. वेल, ऑब्वियसली अच्छा तो लगता ही है, और इसलिए भी अच्छा लगता है कि बड़ा स्ट्रेंज था ये फिल्म बनाना, जो हमारे जिन पे फिल्म है अन्नपूर्णा देवी, रिनाउंड म्यूजिशियन एंड गुरु ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, वो तो कभी नहीं चाहती हैं कि मेरे पे फिल्म बने. अब तो वो नहीं रही, बड़ी मुश्किलों से उनको एग्री कराया और उन्होंने बोला पर बनाओगे तो बिना डरे और सच बताना. अगर उन्हें पता, अब तो वो नहीं है, तो अगर उन्हें पता होता कि अवार्ड मिला है तो वो कभी लेने भी नहीं आती. उन्हें तो पद्म भूषण मिला, वो भी वो लेने नहीं गई. हमने घर में ढूंढा, वो भी नहीं मिला. सो इस तरह के तो इंसान थे. पर हमें ये अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट एक कहानी पूरे वर्ल्ड तक पहुँचे, लोग देखें, और स्पेशली जो म्यूजिशियन, विमेन म्यूजिशियन का जो रोल है, किसी भी जो उनके स्ट्रगल हैं और जो उनको मिलना चाहिए जिस तरह का ऑनर और रिकग्निशन, वो शायद अब थोड़ा है, पर पहले 30-40 ईयर्स की हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट कहानी है जो बनी है, लोगों को पसंद आई है, और मिफ और जूरी को पसंद आई, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम. मिफ के बारे में आप क्या कहेंगे, उसके बारे में आप दो शब्द बताएं, और साथ ही जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रिकग्निशन मिलती है मिफ में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज को समझना और एक तरीके से रिकग्निशन देना, तराशना, वो एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे यहाँ पर अवार्ड जीतना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है? वेल, अगर हम शुरुआत से देखें, 90 से जब मिफ शुरू हुआ तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था. दो साल में एक बार ही होता है, पर सारे जो यंग फिल्म, उस समय के जो फिल्म मेकर थे, उनके लिए ये मैका ऑफ सिनेमा था. हम उम्मीद करते हैं कि ये एक फ्री फेस्टिवल रहे और जिंदा रहे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है. चाहे दो साल में एक बार ही होता है, पर गवर्नमेंट सपोर्ट, फ्री सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सिनेमा को एग्जिस्ट करने के लिए, एंड स्पेशली डॉक्यूमेंट्री. हमें दो अवार्ड्स मिले, एक अवार्ड बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर की है और दूसरी फिप्रेस की क्रिटिक्स जूरी अवार्ड है. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इनकरेजिंग लग रहा है. मैं बोल रही थी बाजी, कभी कभी हम लोग फिल्म्स बनाते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, इन फिल्म्स, ये फिल्म्स बनाने का प्रोसेस एलियनेटिंग होता है ऑफन, और डिफ़िकल्ट होता है अकेले काम करना. मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 18वां संस्करण कई मायनों में खास रहा, जहां 59 देशों की 61 भाषाओं में शानदार और चुनिंदा डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग की गई. ये तमाम शॉर्ट फिल्म्स अपने निर्माताओं की अद्भुत रचनात्मकता को बयान करती नजर आईं. वहीं यहां हुई वर्कशॉप्स और पैनल डिस्कशंस में फिल्म निर्माताओं को अनुभवी फिल्मी हस्तियों के साथ जुड़कर अपने आइडियाज और अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करने का मौका मिला. इन वर्कशॉप्स और डिस्कशन का उद्देश्य नए फिल्म निर्माताओं में कलात्मकता को बढ़ावा देना और सिनेमा जगत में आ रहे नए बदलाव को जानने का मौका देना होता है, और साथ ही यहाँ महिला निर्माताओं की भी दमदार मौजूदगी देखी गई. यहाँ पहुंचे प्रतिनिधियों ने फिल्म निर्माण, प्रचार और डिस्ट्रीब्यूशन के नए पहलुओं की भी खोज की. अठारहवें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा और मनोरंजन जगत से जुड़े प्रतिनिधियों और सहभागियों की बड़ी संख्या शामिल रही. पिछली बार से 3 गुना अधिक प्रतिभागी इस शानदार आयोजन का हिस्सा बने. 12,000 से अधिक प्रतिभागियों की इस मौजूदगी ने फिल्म फेस्टिवल को यादगार बना दिया. A hub of the content creation. Storytelling is the our tradition. Documentaries का एक अलग जादू है. 7 दिन चले सिनेमा के इस महाकुंभ का गवाह बनने 59 देश पहुंचे.
61 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों ने सिनेमा प्रेमियों के लिए इस आयोजन को कभी ना भूल सकने वाला अनुभव बना दिया। इस आयोजन में फिल्म स्क्रीनिंग के साथ साथ और भी बहुत कुछ खास था। 25 मास्टर क्लासेस, संवाद और पैनल चर्चाएं फिल्मी बारीकियों को समझाने में बहुत काम आई। This year especially I would say the kind of films as well as the kind of way it is done is really like a celebration of films. This time looks completely colorful, lot of different, lot of new things they have introduced like co-production market and very good response particularly and very good lot of youngsters. पहले डॉग फिल्म बाजार का रिस्पांस भी बहुत शानदार रहा। 27 भाषाओं में 10 फिल्मों से मिले लगभग 200 प्रोजेक्ट्स ने इस पहल को बहुत सफल बनाया। सत्रह हॉल्स में प्रदर्शकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव डिजाइन प्रदर्शित किए। जापान, रूस, बेलारूस, इटली, ईरान, माली और वियतनाम की फिल्मों ने जबरदस्त सिनेमाई रचनात्मकता से रूबरू कराया। फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की एनिमेशन क्रिएटिविटी भी इस आयोजन में खूब देखने को मिली। मिफ की लेटेस्ट इंटरैक्टिव वेबसाइट ने सिनेमा प्रेमियों को पल पल की जानकारी और अपडेट दी। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में हो रही स्क्रीनिंग की जानकारी में भी इससे बहुत सहायता मिली। मिफ की हाल में जारी ऐप को भी तेजी से लोकप्रियता मिली और कुछ ही दिनों में इसे 6,000 से भी अधिक बार डाउनलोड किया गया। विजिटर्स को रजिस्टर्ड करने, कार्यक्रमों की जानकारी, टिकट बुक करने और फीडबैक देने में ये ऐप बहुत काम आई। जाने माने अभिनेता, फिल्म मेकर और मनोरंजन जगत के दिग्गजों ने आयोजन में आकर इसकी रौनक और बढ़ा दी। मिफ के आयोजन स्थलों को दिव्यांगजनों की सहायता के अनुकूल बनाने के लिए एनएफडीसी ने एक निजी संस्था के साथ साझेदारी की। फेस्टिवल की शुरुआत बिली एंड मॉली एंड ऑटर लव स्टोरी से हुई। I've really been impressed by all the different films, the animation, the short stories, the documentaries that we've had a chance to see. I had a very good time here at MIFF. I very much enjoyed being on the national competition jury. I have been lucky enough to be invited to Mumbai International Film Festival to do a talk about shaping characters and documentary. इस फेस्टिवल के माध्यम से सिनेमा का जादू एक बार फिर से हमारे सामने आया और बेहतरीन फिल्मों ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। अठारहवें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जहां कई खास इंतजाम किए गए तो वहीं कई नई पहल भी की गई, जिनमें इस बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार की शुरुआत हुई, जहां फिल्म निर्माताओं को खरीदार, स्पॉन्सर्स, सहयोगी ढूंढने के लिए बाजार उपलब्ध कराए गए। ये बाजार फिल्म प्रोफेशनल्स और उभरती हुई प्रतिभाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हुए नजर आए और इसके साथ ही ओपन बायर सेलर कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्हें अपने निर्माण के लिए प्रोडक्शन, कॉरपोरेट ब्रांडिंग के महत्व और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी अच्छी जानकारी भी दी गई, ताकि ये निर्माता अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को वैश्विक स्तर तक पहुंचा सकें। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं की आवाज को उठाना और आकर्षक कहानियों को अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के मंच पर ले जाना रहा है। 18वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहले डॉग फिल्म बाजार का शुभारंभ हुआ। इस प्रदर्शनी में देश के राज्यों और विभागों के साथ साथ कई अन्य देश भी शामिल हुए। सिनेमा और मनोरंजन जगत में सहयोग बढ़ाने और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने की दिशा में ये बड़ी पहल है। डॉग फिल्म बाजार में शामिल विदेशी प्रदर्शक भारत और भारतीय सिनेमा के प्रति उत्साह से लबरेज दिखाई दिए। डॉग फिल्म बाजार में शामिल राज्यों, विभागों और अन्य देशों के स्टॉल सिनेमा और कला संस्कृति की झलकियों के साथ सजे हुए थे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहाँ सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सुंदरता से प्रदर्शित किया। इस बीच मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तहत फिल्मों की स्क्रीनिंग भी जारी रही,
महोत्सव के तहत हो रहे विभिन्न संवाद और मास्टर क्लासेस से सिनेमा में रुचि रखने वालों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। I'm very impressed with the quality of the short films. You know, and it was an eye-opener. Because, you know, short films and documentaries were always looked down upon for many years. But suddenly, when I saw this, I said, my God, you know, the quality of films that are being made by our youth, young people, excellent. मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 77 फिल्में मुकाबले में शामिल हुईं। प्रतियोगिता में 12 छात्र फिल्में भी जगह बनाने में कामयाब हुईं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केवल फिल्मों के प्रदर्शन ही नहीं बल्कि अन्य आयोजनों की वजह से भी खास बन गया। महोत्सव में हो रहे संवाद और चर्चाएं सिनेमा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने के नए अवसर देती नजर आई। और ऐसे ही एक इवेंट के तहत एनिमेशन फिल्मों पर चर्चा हुई। एनिमेशन फिल्मों का विकास और उनके प्रभाव पर हुए डिस्कशन में केतन मेहता, वैभव कुमारेश, मोहम्मद खैर अंदेश और जैकी बगनानी जैसे दिग्गज फिल्ममेकर शामिल हुए। वक्ताओं ने दर्शकों से बेहतर संवाद के लिए फिल्म निर्माण में ज्यादा से ज्यादा रचनात्मकता को अहम बताया। एक बार ओशो से किसी ने पूछा था कि मैं बहुत अच्छा अभिनेता बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या था। ओशो ने कहा था कि दो लाइन में, जो आज की तारीख में इंडस्ट्री में लोग उसका जिक्र करते हैं, उन्होंने दो लाइन में कहा था जो पूरे वर्ल्ड का कोई भी एक्टिंग टीचर नहीं बता सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। तो मैंने पंचायत में वो जो चरित्र है अपना चंद्रकिशोर सिंह का, उसको मैंने जिया है और वही लोगों को छुआ है। और जब छुआ है तो वो सब का प्रेम मुझे छू रहा है, जबकि मेरे लिए बहुत ही सुंदर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के बारे में कहा जाता है कि फीचर फिल्मों के दबदबे के बीच उनके लिए खुद को मनवाना आसान नहीं होता, लेकिन भारत में डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण में तेजी से प्रगति हुई है। आज न केवल बेहतरीन विषयों और थीम पर उम्दा डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, बल्कि उन्हें दुनिया में सम्मानित भी किया जा रहा है। हर एक एरिया, जो भी एरिया आप काम करो, उधर तो चैलेंज है। तो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग का जो चैलेंज वो अलग तो नहीं है, इधर भी चैलेंजेस है। बट लेकिन इस देश में पैदा हुआ तो यहाँ बहुत वाइल्ड लाइफ है। सबसे बढ़िया चीज़ जो है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट के साथ आपके सराउंडिंग में वाइल्ड लाइफ होना चाहिए, दोनों इस देश में है। तो फिर खाली मौका मिलना है, कोशिश करेंगे तो 100% इधर काम कर सकते हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की चर्चाओं में नारी शक्ति की भी खूब भागीदारी रही। सिनेमा में आधी आबादी की दमदार मौजूदगी को सेलिब्रेट करते हुए न केवल महिला फिल्म मेकर्स की फिल्में फेस्टिवल का हिस्सा बनी बल्कि चर्चा और संवाद में भी उनकी अच्छी मौजूदगी रही। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में नारी शक्ति की हिस्सेदारी पर हुए डिस्कशन में अच्छी चर्चा हुई। To share experiences with other female directors and talk about gender issues, and I think it always helps. What we discussed was about the voice of women. We are giving a voice to the numerous, you know, the sexual workers, you know, victims of domestic violence, the girl child and their problems. So these kind of issues, due to the female gaze, are coming to the forefront. मुझे लगता है कि भारत के लिए इस वक्त डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट्स के सेगमेंट में बहुत ही गौरव का विषय है कि इस बार एलिफेंट विस्परर को ऑस्कर मिला और बहुत सारी ऐसी फिल्में जो पहले कभी भी रेखांकित नहीं हो पाती थी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज थी चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स थी, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और बहुत बड़ी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना काम विश्व को दिखाएं। हमारी हिस्ट्री में जिन लोगों को स्पेस नहीं दी जाती है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है, तो उनको जब प्लेटफॉर्म मिलता है, जगह मिलती है बात करने के लिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपका समाज को भी चैलेंज कर रहे हैं बदलाव के लिए। तो यस, तो मिफ का उसमें हाथ है बिल्कुल। आज न केवल बेहतरीन विषयों और थीम पर उम्दा डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं बल्कि उन्हें दुनिया में सम्मानित भी किया जा रहा है।
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जहां प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने का एक बेहतरीन मंच साबित हुआ, वहीं फिल्म निर्माण से जुड़ी चुनौतियों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आकर्षक चर्चाओं ने इसे और खास बना दिया। उम्मीद है कि ये दुनिया भर से आई विविध कहानियों और परंपराओं को बयान करता ये फेस्टिवल अगली बार भी आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर जरूर आएगा। आज की हमारी प्रस्तुति में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।